on season 3. Season 3. Yes. Lalit bhaiya, aap inke liye kuch bol dijiye. Agar aapka kuch aisa tips jo surile andaaz mein aa jaye, to fir kya kehne ki baat hai? Jo bhi chahu wo main paau, saari duniya par main chahu, bas itna sa khwab hai, main ban jaau Bharat ki shaan, main ban jaau Bharat ki shaan. आज जो सबसे अच्छा गाएगा और गाएगी, दो लोगों को मिलेगा क्लोजअप कॉन्फिडेंट परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब. जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे पंच परमेश्वर का. दो लोगों से हम इतने खुश हुए पिछले एपिसोड में कि हमने उनको दूसरा चांस भी दिया है. वो है हमारे पंडित आचार्य सतीश जी और हमारे आरजे रोहन. एक लड़की को मैंने पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया था क्योंकि मैंने विभोर का तथाकथित गर्लफ्रेंड करके बुलाया उस लड़की का, जो तनुश्री है. जोरदार तालियों से स्वागत करिए. उसने बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी. दो हमारे फ्रेश सदस्य हैं पंच परमेश्वर के. एक है कृषा खंडेलवाल जो अभिनेत्री हैं और दूरदर्शन के लोकप्रिय प्रोग्राम गाना खुशी की कामयाबी है. प्लीज वेलकम कृषा खंडेलवाल. और हमारे आखिरी जो सदस्य हैं आज के, उनका नाम है विवेक मिश्रा. वो अभिनेता हैं, इलाहाबाद से हैं. जोरदार तालियां बजनी चाहिए हमारे विवेक जी के लिए. अब हम अपने ग्रुप टू के उस पहले प्रतिभागी को यहाँ बुलाना चाहते हैं जिसका नाम है टॉम बॉय. सॉरी, वो बड़ी प्यारी लड़की है, प्रियंका सिंह. आपने शुरुआत अच्छी कर दी है. हमारे पंच परमेश्वर बिल्कुल तैयार है. देखते हैं क्या है प्रियंका के लिए हमारे पंच परमेश्वर का फैसला. मुझे तो आप कहीं से भी टॉम बॉयज नहीं लग रहे हैं. आप इतने क्यूट लग रहे हो आज. और जितने आप क्यूट लग रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस उससे भी ज्यादा क्यूट थी. मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि जब आगाज इतना बढ़िया है तो अंजाम कैसा होगा. 15 सितारे हमारा इंतजार कर रहे हैं. मुझे नहीं पता कि कितने जलेंगे. जलने शुरू हो गए. देखते हैं ललित सर कितना दबाते हैं. प्रियंका बहुत ही अच्छा गाया है, बहुत राउंड वॉइस है
और मैं बहुत खुश हूँ कि गाने को बहुत ध्यान से सुना आपने. थैंक यू. और मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं 3 के ऊपर दूं इस टाइम, क्योंकि आपने बहुत अच्छा गाया है. थैंक यू सो मच. 4 बोल दिया सर, क्या बात है. बहुत ही खूबसूरत गाना मेरे बड़े भाई जतिन का बनाया हुआ है, तो मैं जोरदार एक तालियां चाहूंगा मेरे बड़े भाई के लिए, मेरे जीनियस भाई के लिए. थैंक यू वैशाली जी. Here we go. Awesome. पहुंच गया मैम. थैंक यू सो मच. बस मार्क देना है तो मैं दे रही हूँ. थैंक यू. 5 सितारे. थैंक यू सो मच. वो कौन है? वो कौन है मतलब? वो सर वो वो कौन है? सर कोई तो होगा. वो कौन है तेरा? नाम नहीं पूछूंगा. किस शहर का रहने वाला है? चंडीगढ़ का ही है सर. चंडीगढ़ का. अपने ही शहर के. कब शादी कर रहे हैं? उसमें ऐसी क्या खास बात है जो तुमने पसंद कर लिया उसको? सर दिल मिलने की बात होती है. वो बहुत खास रहे, तुम्हारे पास रहे, तुम्हारा एहसास रहे. अभी जाओ, विशाल में भी कोई कमी नहीं. मेरे दोस्तों, मेरे हिंदुस्तान, प्यार का पैगाम लेकर आ रहे हैं. प्यार की बगिया में तरह तरह के प्यारे प्यारे फूल खिले हैं, और जरूरत है इस समय हरियाणा के उस छोरे की जिसका नाम है साहिल सोलंकी. प्लीज वेलकम. तू यार, तू ही दिलदार, तू ही मेरा प्यार, तेरा मेरे दिल में है दरबार. कर दे एक बार बेड़ो पार, मुझे घर पार लगे बेकार. विरू मैं बन के तेरा जोगी. जब है दंग हुई ये दुनिया मुझसे तंग. लाई है उमंग एक दो रंग, बोझ मेरे दंग तो बदले दंग. फिरूं मैं बन के तेरा. बहुत सारे भैया हैं सर. नहीं, भैया की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना सर. वही बता रही हूँ मैं. मेरा मतलब अभी तक का जीवन भाइयों को सुहागन करने में बीता है. भाइयों को सुहागन. अच्छा, आपके जीवन में अभी कोई नहीं है? ना ना, कभी था भी नहीं. थी ना कल, और अभी है. कल उन्होंने मेरे को प्रपोज किया यहाँ पे सबके सामने. हाय. गुड मैसेज. थैंक यू. अब वो घड़ी आने वाली है मेरे हिंदुस्तान, जब किसी एक प्रतिभागी का इस मंच से खत्म हो जाएगा प्यार भरा सफर. बची है एक परफॉर्मेंस, और वो है विशाल की. हम उनको बुलाएंगे, थोड़ी सी अपने एहसासों को विराम देंगे, छोटा सा आराम क्लोज ऑफ भारत की शान 3 में. आज का मुझे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस लगा. अब वो घड़ी आ गई है मेरे हिंदुस्तान, जब कोई एक प्यारा सा प्रतिभागी हम सब से ले लेगा विदा. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. अब बारी है ग्रुप 2 के आखिरी प्रतिभागी. हक बनता है उसका कि उसके अलावा जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि उसने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं. विशाल. कैसे तेरा हुआ हूँ, मुझे तो लगता है मैं शायद तेरे दिल की दुआ हूँ. हाँ, मुझको जो पाया ना वो जीना, अब ये लम्हा ठहर जाए तुम.
जाए बस जाए हम दोनों के दर्द में आ क्या लगता है आज आपको क्लोजर फ्रेश परफॉर्मेंस मिल सकता है? सर ये मेरा सपना रहा है, हर बार मैंने जब यहाँ गाया है तो मैंने कहा है कि अगर वो एक मुकाम जो है 20 स्टार्स का मुझे मिल जाएगा तो वो मुझे और कॉन्फिडेंस देगा और मैं फिर पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसको हमेशा दोहराता रहूं। ये है आपके लिए हमारे पंच परमेश्वर का फैसला। गाना बहुत अच्छा गाया लेकिन आई एम वेरी एंग्री विद यू। मैंने जो आपको अपने दिल का तोहफा दिया था सब इधर उधर उड़ा दिया आपने। आज का मुझे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू विवेक, एकदम रगड़ा। थैंक यू सो मच। आपके लिए पहले से 10 सितारे दे दिए हैं। थैंक यू सो मच सर। आनंद राज आनंद सर और वैशाली सामंत जी ने सारी निगाहें टिक ली। नहीं, बहुत अच्छा गाया, इसमें कोई शक नहीं। सर, हम लोगों को विशाल का कोई टेंशन नहीं है। प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक सिंगर्स वी हैव इन द टीम। यस। और हम लोग ये चाहेंगे कि ये इस माहौल को और इस कंसिस्टेंसी को आगे बढ़ाते रहे। मेरी तरफ से भी बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अब हम अपने माननीय जजेस से जानना चाहेंगे कि कौन है आज का क्लोज अप कॉन्फिडेंट परफॉर्मर ऑफ द डे, एक लड़का एंड एक लड़की। गर्ल्स, प्रियंका आइए और लेके जाइए। विशाल आओ। आज के क्लोज अप कॉन्फिडेंट परफॉर्मर्स ऑफ द डे है प्रियंका एंड विशाल। अब वो घड़ी आ गई है मेरे हिंदुस्तान जब कोई एक प्यारा सा प्रतिभागी हम सब से ले लेगा विदा। पंच परमेश्वर और हमारे जजेज के सितारों के अनुसार जो हमारा भाई आज यहाँ से विदा हो रहा है, मेरा भाई आसिफ मेरे पास आ जाए क्योंकि उसकी विदाई की घड़ी है। खुशी मिली मुझे यहाँ पर आके, जितने मुझे पूरी लाइफ में नहीं मिली अपने भाइयों के साथ और जितनी मेरी बहनें। जियो, गॉड ब्लेस यू। तालियां जोरदार। खुशी मिली मुझे। और एक राजस्थान का फेमस केसरिया बालम, आओ नहीं पधारो हमारे देश, मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। ओ जी केसरिया बालम, आओ नहीं पधारो हमारे बालम, आवो नी पधारो मारे दे। मेरे प्यारे हिंदुस्तान,
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपके लिए जारी है क्लोज अप भारत की शान सीजन 3 इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन बॉयज वर्सेज गर्ल्स। और इस समय सारे वातावरण में किसी एक का इंतजार हो रहा है, तो उसका नाम है कंचन किरण मिश्रा। हाँ, ये मैंने जादुई चश्मा लिया है जो डे नाइट चश्मा है। इससे क्या होता है ना, मेरा आई कांटेक्ट किसी से नहीं होता है, और आई कांटेक्ट नहीं होता है ना आंखें मिलती हैं, और ना आंखें मिलेंगी ना प्यार होगा, और लाइफ में जब प्यार नहीं होगा तो लाइफ टेंशन फ्री रहेगी। इसलिए मैं इस चश्मे से बहुत प्यार करती हूँ। 24 घंटे मैं इस चश्मे को अपने पास रखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये चश्मा मेरे लिए अब ज़्यादा प्यारा हो गया। प्यार तो दूर की बात है, इस चश्मे से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। अगर मुझे सीटी बजानी आती थी तो देसी स्टाइल में आपको प्लीज डू इट फॉर मी प्लीज somebody, किसी को आती है? आप रॉकिंग। मनोज भैया, खड़ा होना जरूरी नहीं था, लेकिन यहाँ पे बैठ के थ्रू आउट इनके पूरे गाने पे मैं अकेले नहीं, सबके सब नाच रहे थे। वो बहुत बड़ी चीज है कि कोई गा रहा है और सबके सब नाच रहे हैं, मतलब एकदम गर्दा उड़ा दिया इन्होंने। चलिए पंच परमेश्वर हमारे तैयार हो जाइए, हमारी कंचन किरण मिश्रा के लिए आपका क्या फैसला है? चलिए हम चलते हैं 15 सितारों के पास और देखते हैं आपके लिए क्या मिलते हैं। यू सैंग इट वेरी वेल, और जो झूमे हैं लोग, आई सल्यूट टू द कंपोजिशन एंड द रिदम्स, इन्होंने भी कमाल काम किया म्यूजिशियंस। थैंक यू सर। मोहब्बत के कॉलेज में एडमिशन तभी मिलता है मेरे दोस्त जब कोई एंट्रेंस एग्जाम यही इजहार और इकरार की परीक्षा पास कर लेता है। कुछ ऐसे ही इजहार के एंट्रेंस एग्जाम देने आ रहे हैं हमारे झारखंड रांची के दीपक तिर्की। शुहर इतना क्यों, कम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तू। I love you, you know, you know, yeah yeah yeah. I love you, you know, yeah 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 yeah. I love you, you know, yeah yeah yeah. Mm-hmm. I love you.
तुमने बहुत ही स्वीट गाना चॉइस किया है और अपने हिसाब से ही चॉइस किया है, ये मुझे अच्छा लगा कि ये जो तुम्हारा जो वॉइस है इससे ये गाना बिल्कुल मिलता है। यार तू देखने में तो छोटी लगती है लेकिन बोलती है तो बड़ी लगती है। अरे बाप रे, शादी हो गई है? आपको क्या लगता है? वैसे तो बच्ची लगती है। तो ठीक है, यही सही। दीपक, वी लव यू। मनोज भैया जी, पंडित जी, मैं सोचा बहुत देर से आपसे बातचीत नहीं हुई। सर आप भूल जाते हैं थोड़ा। नहीं सर, मैं नहीं भूलता सर। सर वो कुछ टॉनिक मिलती है, ब्राह्मी जिसको बोलते हैं। अच्छा, आपके गांव साइड में खूब होती है? हाँ सर। सर इस बार लाइएगा, थोड़ा हम भी लेंगे और आप भी। मेरे गाँव में सर कुकुर मुत्ता भी होता है। सर आपको फिर चार बार प्रणाम करना पड़ेगा। चलते हम लोग अपने जजेज के पास। ये लड़का आग लगाएगा, हिंदुस्तान का रोमांटिक सिंगर सबसे बड़ा बनेगा, ये दो साल के बाद तुम क्या करोगे मुझे पता नहीं है। यार देखो, एक बात तो पक्की है, लड़की ने बलून दिया है आपको, दिल वाला, क्या बात है। यू आर द ओनली वन, यू आर ऑलरेडी अ विनर। और तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है तगड़ा सिंगर बनने से। दो साल के बाद मैं दावा करता हूँ मेरे स्टूडियो में आ जाना और देखो क्या होता है। थैंक यू। अच्छा प्यार और अच्छे संगीत की हवा ऐसे ही चलती रहेगी मेरे हिंदुस्तान। आप भी लीजिए एक छोटा सा विराम, हम भी कर लें थोड़ा आराम। क्लोज अप भारत की शान सीजन 3 में छोटा सा ब्रेक। तू ही दिलदार, तू ही मेरा प्यार, तेरा मेरे दिल में है दरबार। कर दे एक बार बेड़ा पार, मुझे दरबार लगे बेकार, तेरों में बन के तेरा जोगी। हमारे इस हिसार के छोरे के लिए, साहिल के लिए, ये है पंच परमेश्वर का फैसला। पांच। तनुश्री, हाँ जी, बिहोर अच्छा है कि ये अच्छा है? ये तो आपने बहुत ही दुविधा में डाल दिया है मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो एक मजाक थी, लेकिन मैंने ये सीरियस है। अच्छा, तो वो भी सीरियस ही था। साहिल बहुत सुंदर लग रहे हो, क्यूट लग रहे हो, बहुत क्यूट लग रहे हो। थैंक यू। इसने जिस तरह से फसाया ना विभोर को, विभोरवा गिर गया। चलते हैं हम उस टेबल पे जहां पे 15 सितारे सजा के रखे हैं। थोड़ा हाफ नोट तुम और ऊपर ले लेते ना गाना, खाली मुखड़ा मुझे हाफ नोट ऊपर करके सुनाओगे जरा ओरिजिनल से, सिर्फ ओपनिंग कुछ लाइन। तू यार, तू ही दिलदार, तू ही मेरा प्यार, तेरा मेरे दिल में है दरबार। कर दे एक बार बेड़ा पार, मुझे घरबार लगे बेकार, फिरूं मैं बनके तेरा जोगी। एक नंबर और बढ़ा। हाँ, बहुत बहुत फर्क पड़ जाता है। वैशाली जी ने भी बढ़ा दिया। बिल्कुल, थैंक यू।
चूंकि ये रोमांटिक वैलेंटाइन वीक चल रहा है, इसलिए हम सभी से जानना चाहते हैं कि क्या आपकी कोई प्रेमिका है या थी? नहीं सर, गर्लफ्रेंड थी बट अभी नहीं है। आपने छोड़ा कि उसने छोड़ा? दोनों ने छोड़ दिया। हिसार में ही थी? नहीं सर, चंडीगढ़ की थी। चंडीगढ़ की। कोई स्कोप बचा है? नहीं, सर्चिंग फॉर? नहीं सर। बेवफाई का दर्द तड़पाए, बीते लम्हों की याद क्यों आए। इस प्यार भरे माहौल में एक छोटा सा विराम, जारी है क्लोजअप भारत की शान सीजन 3। एक बार फिर से स्वागत है क्लोजअप भारत की शान सीजन 3 में। इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन है आज, पता नहीं कोई लड़का जाएगा कि लड़की जाएगी, लेकिन इस समय जो आ रही है यहाँ पे, प्लीज वेलकम शिल्पी। जानना चाहते हैं पंच परमेश्वर, जो अब तक सबको 100% नंबर दिए हैं, आपके लिए क्या फैसला लेते हैं? ये मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है, मोस्ट फेवरेट। फ्लोट जो करना चाहिए ना, वो मुझे मिल नहीं रहा था, यू नो। चलते हैं वहां जहां 15 सितारे हैं। डेंजर जोन आता है, बंदा तभी तो अलर्ट होता है। तो ये इस जोन में लाना इनको इसलिए जरूरी था कि इन्हें चमकाना है। और कैसा फील हो रहा है? बहुत खराब लग रहा है, इसके पहले ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। तो पिछली बार आपको कितने सितारे मिले थे? 17। 17 और 17 से सीधे 12। यहाँ देखिए, जतिन सर ने 3 कर दिया। We can't lose such a beautiful singer. We can't take that risk. जोरदार तालियां। चलो आपके एक सितारे और बढ़ गए, 13 हो गए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पीयूष अंबोरे। लेकिन इसके पहले कि वो मंच पे आए, हम उनकी एक ऑडियो वीडियो रिपोर्ट आपको दिखाना चाहते हैं। मैं मैथमेटिक्स में डफर हूँ, लेकिन मुझे आज भी याद है मेरे 8th क्लास का इंसिडेंट। जब मैं बच्चा था, मेरे क्लास की मैथमेटिक्स टीचर बहुत खूबसूरत थी। वो क्लास में एंटर करती थी और ब्लैक बोर्ड पे लिखती थी। मैं ब्लैक बोर्ड की जगह सिर्फ उन्हीं को देखता था। जब वो क्लास से बाहर जाती थी, तब मैं उनको पिलर के पीछे छुप छुप के देखता था। बचपन में तो कुछ ध्यान नहीं था, लेकिन अब जब सोचता हूँ तो लगता है कि हाँ, मैं उनको बहुत पसंद करता था। आई लाइक हर। आप अगर नहीं होते तो शायद आज मैं लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस कभी फील नहीं कर पाता। वी ऑल लव यू मैम, वी मिस यू। अनजाने तू
जो बेगाने हो तुम जो पहचाने लगते हो क्यों तुम गहरी नींदों में जब सोए सोए हो तो मुझ में जगते हो क्यों जब तुझको पाता है दिल मुस्कुराता है क्या तुझसे है वास्ता क्या तुझ में ढूंढूं मैं क्या तुझसे चाहूं मैं क्या क्या है तुझ में मेरा जानू ना मैं तुझ में मेरा हिस्सा है क्या अजनबी अपना मुझे तू तुमको बना के रास्ता बाहों में जन्नत आ गई खुशनुमा तुम जो हुए हो मेहरबान जिस्म से जिस्म का क्यों तारुफ हुआ हो गए हम सुनो रूह तक आशना एक सदा जो चले तो कदम साथ में गया है हमें जिंदगी का पता चलू ना मैं कुछ में मेरा हिस्सा है क्या अजनबी अपना मुझे तू लगा यार तुमको देख के ना बहुत प्यार आता है एक बच्चे की तरह लेकिन तुमने जो उधर बताया ना कि टीचर को देख के तुम्हारा क्या क्या होता था सर आई लाइक हर वो बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि वो बहुत केयर करती थी मेरा तो जाती थी तो आप पीछे पीछे जाके उनको देखते थे तो क्या देखते थे सर मैं उनको डायरेक्टली फेस नहीं कर पाता था बिकॉज मैं बुरा था मैथमेटिक्स में अच्छा है इतना ऑनेस्टली बता देते हो ऑनेस्टी के साथ हमारे पंच परमेश्वर आपके लिए अपना फैसला दे रहे थैंक यू मैम थैंक यू सर आप पूरी जिंदगी इसी तरीके से तड़प के गाइएगा तो आपकी गायकी और निखरेगी और ये चीज जो आपने अभी बोली है कि आपका पहला प्यार अधूरा था उसको हमेशा अधूरा रखिएगा क्योंकि वो आपकी गायकी को हमेशा निखारेगा बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सर हेलो जी हाँ मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जब मैं इनका एवी देख रही थी तो मुझे भी अपना बचपन याद आ रहा था तुम्हारे पीछे कोई पड़ा था क्या सर मैं थर्ड क्लास में जब थी मैं तब का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ सर सर ये हुआ था कि थर्ड क्लास तक मैं मैथमेटिक्स में फेल होती थी तो थर्ड क्लास में मेरे लाइफ में एक टीचर आए थर्ड क्लास में उन्होंने मुझे 1+1 से शुरू किया मैं इतनी डफर थी और उसके बाद यू वोंट बिलीव कि मैं उसके बाद टॉप करती आई हूँ मैथ्स में आज तक मतलब मैं अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाती आई हूँ आई हैव बीन रियली गुड विद मैथ्स थर्ड क्लास में मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ कि आज वो मेरी लाइफ में नहीं है लेकिन मैं आज भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ ही वॉज माई फर्स्ट वैलेंटाइन आई वॉज इन डीप लव विद हिम आप जैसे संसार में बहुत सारे लोग हैं लेकिन हमारे जजेस जैसे संसार में बहुत कम लोग हैं 15 सितारे और अब देखिए आपके लिए कितने जलते मुझे सिर्फ ये कहना है कि ये बहुत खतरनाक बंदा हो गया है और इसकी सिंगिंग और जो गाना है इसका वो हर गाने में इंप्रूव हो रहा है विच इज अ वेरी डेंजरस साइन ये अनप्रेडिक्टेबल करेक्टर है और मैं खुश तो हूं मगर मैं ये भी समझ गया हूं कि ही इज ट्रबल फॉर अस इन द फ्यूचर सच्ची गॉड ब्लेस यू फैंटास्टिक थैंक यू सर थैंक्स अ लॉट सर जो सबसे अच्छा गाएगा और गाएगी एक लड़का एक लड़की को मिलेगा आज क्लोजअप कॉन्फिडेंट परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब इसके पहले कि हम अगले प्रतिभागी को बुलाएं छोटा सा विराम सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वेटिंग जस्ट फॉर मी माय डियर अगर मुझे स्वीटी बतानी आती है तो
आपको प्लीज डू इट फॉर मी से भी खूबसूरत है तू आई लव यू टू यू नो दीपक लव यू आ जाइए बैठ जाइए क्लोजअप भारत की शान सीजन 3 आपके स्वागत में तैयार है मेरे हिंदुस्तान आज एक लड़का और एक लड़की को मिलेगा क्लोजअप कॉन्फिडेंट परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब चलिए हम बुला लेते हैं अपनी गायकी की मशाल से प्यार की एक नई दास्तान लिखने के लिए आसिफ भाई प्लीज वेलकम जोरदार तालियों से तुझे देख देख सोना तुझे देख कर है जगना मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी तुझ में बस है मेरी जान हाय जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए कब से है दिल में मेरे अरमा कही अनकहे इनको तू सुन ले आ जा चाहत पे रंग चढ़ा जा कहना कब तू मेरा मान है धड़क धड़क जाए जिया आप अपने सितारों से बता दें इनका क्या होगा आपके नोट्स बहुत बिखर रहे थे बहुत जगह बिखरे हैं तो उस वजह से मैंने नहीं दिया मैं नहीं चाहता कि आज मैं इनको स्टार दे देता तो इनको शायद ये अपनी गलतियां आगे जाके ना सुधारते या जो भी उसकी वजह से इनका फ्यूचर डार्क हो जाता अरे आसिफ आज क्या हो गया तुमको यार आवाज में वो आई क्यों नहीं बात क्यों नहीं है सुमा क्यों नहीं बन सका ऐसे गाने तो सुमा बांध देते हैं वेरी डिसअपॉइंटिंग बट फिर भी मैं आपको 3 नंबर देता हूँ मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे कि ऐसा डल होगा गाना चल भी आई वाज रेडी कि आज मैं फिर से एक बार रॉकेट उड़ाने वाली थी बट आई एम सो सॉरी मैं फिर भी ये गाना स्पेशली सबने सोचा था कि आसिफ बहुत अच्छा गाएगा अब तक का सबसे लोएस्ट स्कोर हो गया हिम्मत नहीं हारते हैं बैठो वैलेंटाइन वीक की अभी तक की परफॉर्मेंस ने जता दिया है कि लड़के हो या लड़कियां कोई किसी से प्यार के मामले में कम नहीं है लेकिन इसके पहले कि गरिमा दिवाकर यहां पे आए हम लोग देखना चाहते हैं कि उन्होंने क्लोज अप कॉन्फिडेंस वॉल के सामने क्या बोला मैं अपने आज की परफॉर्मेंस को लेकर सुपर डुपर कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मैंने अपने गाने को लेकर बहुत मेहनत की है और मैं अपनी मेहनत और अपने गुरुजनों की मेहनत को खाली नहीं जाने दूंगी इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं आ रही हूँ लड़कों की छुट्टी कर दूँ डूबी
गरिमा दिवाकर के लिए यह है हमारे पंच परमेश्वर का फैसला। अनुज जी एक बात कहना चाहती हूँ, अभी तक जितनी परफॉर्मेंसेस हुई ना गाने के साथ साथ शी वाज परफॉर्मिंग, शी वाज एंजॉयिंग द सॉन्ग, मतलब सब में ये मिस था। थैंक यू। आप बिल्कुल सही हो और मुझे लगता है पंडित जी इनके लिए कुछ कहने की जरूरत है ना? जी भैया थोड़ा सा तो है, शुक्र शनि छोड़ के आपका सच में एवरेज है, बहुत अच्छा है। शुक्र और बृहस्पति दोनों अच्छे हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत कुछ करता है और आपके अंदर वो बात है, तो थैंक्स। गरिमा भारत की शान Season-3 की गरिमा है, वाह वाह, वेरी वेल डन। थैंक यू। चलिए देखते हैं आपके लिए हमारे जजेस ने कितने सितारे सजा के रखे। ये समा बांध देती है लड़कियां, सही गाना चुन लिया आपने और हमने सुन लिया। चलिए थैंक यू सर, इतनी छोटी और ऐसी फटाकड़ी परफॉर्मेंस, क्या बात है, मतलब मेरे दिमाग में तो रजिस्टर हो गए कि फटाकड़ी है। वेल डन। थैंक यू सर, दिस वाज अ सुपर लाइक परफॉर्मेंस फॉर मी। थैंक यू। मैं मेरे एफबी वॉल में लिखने वाली हूँ दिस वाज अ सुपर लाइक परफॉर्मेंस, और हक बनता है आपका भाई। चार, तुम्हारा छत्तीसगढ़ में कहाँ घर है? छत्तीसगढ़ में सर रायपुर में है, रायपुर में कोटा है, कोटा में मेरा घर है। ये तो आइटम नंबर है, छत्तीसगढ़ में रायपुर, रायपुर में कोटा, कोटे में मेरा घर। है कोई?